हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक। करंट अफेयर का टॉपिक है जो कि एग्जाम में 99% चांस से बनने का यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे कि झारखंड से पद्म श्री विजेता 2020 में किनको किनको मिला है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, झारखंड के किस किस व्यक्ति को 2020 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस आने का चांस है। अब इसको हम लोग फुल डिटेल के साथ देखेंगे, उनके बारे में क्या है नहीं है टोटल चीज देखेंगे, ठीक है। तो वो आज हम लोग, अब वीडियो शुरू से तक देखिए और आपको पूरा मैंने कंसेप्ट मिल जाएगा कि जो दो लोगों को मिला है उसमें किस क्षेत्र में मिला है, उनका मैंने क्या मैंने किस फील्ड में काम कवर करते थे, क्या करते थे, उनका जन्म कहाँ था, वो किस फील्ड से लगाव रखते थे, आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो जो वीडियो मैंने कि चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और हम लोग डेली क्विज कराते हैं वहां पर टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से इजी ज्वाइन होकर टेलीग्राम क्विज का एनालिसिस कर सकते हैं अपने से। चलिए देखिए, झारखंड से पद्म श्री विजेता 2020, ठीक है। हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ नया नया टॉपिक करते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में 100% एकदम श्योर सर्टिफिकेट मिलना मिल जाए मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोचता हूँ कि आपको कंफर्म करा देता हूँ कि कंप्लीट आपको मिलना चाहिए नॉलेज, ठीक है। किसी चीज के बारे में पढ़िए तो कंप्लीट नॉलेज, अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, क्या पूरा डिटेल से पढ़ना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चाहे सीजीएल तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी तैयारी कर रहे हो या किसी की तैयारी कर रहे हो, आप डिटेल लीजिए उसको डिटेल। तो आज मैं उसी के साथ डिटेल डिटेल बताने जा रहा हूँ जिनको कि झारखंड से पद्म श्री विजेता 2020, माने कि 2020 में कला के क्षेत्र में झारखंड के दो लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। 2020 में कला के क्षेत्र में झारखंड से दो लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। उनके जो नाम है, पहला नाम क्या है, मधु मंसूरी हंसमुख, ठीक है ठीक है, ये रांची से बिलोंग करते हैं, बताएंगे पर डिटेल बताएंगे इसका तो, ठीक है। और सेकेंड नंबर है गुरु सशाधर आचार्य, ये सरायकेला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, पहला के मधु मंसूरी हंसमुख कहां से बता, रांची से बिलोंग करेंगे, और गुरु सशाधर आचार्य कहां से करेंगे, ये सरायकेला से बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल से करते हैं, ठीक है। देखिए नाम भी देखिए, मधु मंसूरी फर्स्ट नंबर पे है, मधु मंसूरी हंसमुख। देखिए इसका साथ ड्रॉइंग बना दिए हैं, आपको चित्र भी देखिए देख कैसे दिखते हैं, ये आपको इमेज भी सेट हो जाएगा माइंड में, तब भूलिएगा नहीं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए तो मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म 4 सितंबर 1948 में सिमलिया यानी कि रातू रांची में हुआ था, ठीक है। क्या है, मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म 4 सितंबर 1948 में सिमलिया रातू रांची में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद देखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन कहीं भी, इनको पद्म श्री मिला है 2020 में, तो पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए मधु मंसूरी हंसमुख का व्यवसाय क्या था, क्या करते थे, किस फील्ड में काम करते थे, ये गीतकार थे, लिखते भी थे गाते भी थे, जैसे गीतकार ये हैं, ठीक है, सिंगर टाइप को बोल सकते हैं, कौन सा, नागपुरी सिंगर, किसका, नागपुरी गीतों, नागपुरी गीत ही गाते थे, ठीक है। देखिए इसलिए इन्होंने नागपुरी गीत गाते थे, इसलिए इन्हें नागपुरी गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है, किसको, हंसमुख, माने कि जो माने कि मधु मंसूरी हंसमुख जो है उनको नागपुरी गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है नागपुरी गीतों का राजकुमार किसे कहता है, क्या होगा, मधु मंसूरी हंसमुख को बोला जाता है, ठीक है। देखिए मधु मंसूरी हंसमुख झारखंड के प्रसिद्ध गायक हैं, किस फील्ड में कौन से भाषा में, नागपुरी भाषा के हैं प्रसिद्ध गायक, ठीक है। देखिए उन्होंने कई नागपुरी गीत लिखा और गाया भी है, ठीक है, उन्होंने कई गीत नागपुरी लिखा, गीत लिखा और गाया है, ठीक है। झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन के समय उन्होंने कई गीत लिखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। अब इनको देखिए, 2011 में झारखंड सरकार ने उन्हें झारखंड रत्न का सम्मान दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी, क्योंकि इनको अवार्ड मिला पद्म श्री, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2011 में झारखंड सरकार ने किन्हें झारखंड रत्न मिला है, तब ऑप्शन दे देगा कुछ, चार मुकुंद नायक सब कुछ दे देंगे, आप पूछ देंगे कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर कहा हो जाएगा मधु मंसूरी हंसमुख हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 2020 को भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री सम्मान जाकर बता भी दिए, किस फील्ड में बताओ, किस में, कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। देखिए दो इसको पुरस्कार मिला है, कौन कौन है, एक कला के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 से मिला है, एक झारखंड रत्न अवार्ड 2011 मिला है, ठीक है, दोनों याद। देखिए पुरस्कार के देखिए दो क्षेत्र मिला है, एक कला के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 से मिला है, याद रखिए, अब झारखंड रत्न पुरस्कार मिला है 2011 मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट।
देखिए दूसरे आदमी जो है दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु सदाधर आचार्य, सेकेंड नंबर पर गुरु सदाधर आचार्य हैं, ठीक है। इनको मिला है पद्म श्री 2020 में कला के क्षेत्र में मिला है। दोनों आदमी जो है एक मधु हंसमुख हंसमुख, ठीक है, और गुरु सदाधर आचार्य दोनों को कला के क्षेत्र में का पद्म श्री 2020 में मिला है, ठीक है। देखिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फोटो मिली में लगा दिया इमेज के, आपको माइंड में निमोनिस टाइप को हो जाए कि याद हो जाए, फिगर देखते ही याद, यहाँ गुरु सदाधर आचार्य उसके बारे में ये चीज था, ठीक है ठीक है। देखिए इनके बारे में देखिए, सरायकेला के छऊ नृत्य के संरक्षण और प्रसार के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सदाधर आचार्य को 2020 में पद्म श्री से नवाजा गया है। फिर से सरायकेला के छऊ नृत्य के संरक्षण और प्रसार के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सदाधर आचार्य को, ठीक है, 2020 में पद्म श्री से नवाजा गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में पद्म श्री से नवाजा गया है गुरु सदाधर आचार्य को, और मधु मंसूरी हंसमुख को मिला है 2020 में, दोनों को कला के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट देखिए इनको देखते हैं, और देख लेते तो दो पॉइंट और देखते हैं। सरायकेला के छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार गुरु सदाधर आचार्य ने बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा समेत देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में छऊ नृत्य को भी प्रसिद्धि दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। क्या है? सरायकेला के छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार गुरु सदाधर आचार्य ने बिहार, बंगाल और झारखंड और उड़ीसा समेत देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़ते आगे। देखिए गुरु सदाधर आचार्य को 2004 में संगीत नायक पुरस्कार मिला है। ये भी बता रहा हूँ, जिनके दोनों आदमी के साथ जितना पुरस्कार मिला है आप उसको एकदम माइंड में सेटअप रखिएगा। गुरु सदाधर आचार्य को 2004 में संगीत नायक पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगले पॉइंट देखते हैं। इन्होंने 1990 से 1992 तक सरायकेला के राजकीय छऊ डांस सेंटर के निदेशक भी थे, ठीक है। इन्होंने 1990 से 1992 तक सरायकेला के राजकीय छऊ डांस सेंटर के निदेशक भी थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, ठीक है। वर्तमान में वो किसके थे? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में विजिटिंग प्रोफेसर थे, ये भी दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगर आगे चल, ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां इजी ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां पर हम लोग क्यूज भी कराते हैं, डेली क्यूज कराते हैं, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, ठीक है, कुछ दिन में साइंस जीके भी शुरू कर देंगे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज शुरू करेंगे। प्लस में हम लोग मैथ रीजनिंग का भी सोच रहे हैं, ठीक है, और हम लोग एक नया चीज सोच रहे हैं इसमें, कि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन के बाद अभी जैसे सीजीएल का, ठीक है, हम लोग पूरा पूरा फुल टेस्ट सीरीज कराने को सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा सिस्टम हम लोग को बनाना, जब सिस्टम में थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। अगर हो जाता है तो आप लोग को फुल टेस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड करना चाहूंगा, ठीक है, या व्हाट्सएप में या टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि संडे को हो सकता है कि तीन टॉपिक लें, अब अगले संडे को दो टॉपिक, इस टाइप को आपको फुल टेस्ट एक तरफ करा दिया जाएगा, ठीक है। ये सोच रहे हैं, अगर हो पाएगा तो आप लोग के पास जरूर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देंगे, हाँ, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। अगर पीडीएफ में जाएगा तो यानी कि आपको पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, तो उसको भी आप इजिली वहां पर टेस्ट दे सकते हैं, फुल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक, कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिए, जैसे उसको भी फायदा मिले, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर